कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। दोनों के बीच ये मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाना है। फैंस भी इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 के 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों के बीच इस सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने 4 विकेट से एक रोमांचक जीत दर्ज की। वैसे तो दोनों ही टीमें आईपीएल के सीजन में कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अपने 7 में से 5 मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8 में से 5 मैच जीतकर 5वें पायदान पर काबिज हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमें इस साल शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी एक मजबूत टीम की तरह उभर रही है, लेकिन अपने पिछले मैच में उसे हैदराबाद की टीम के खिलाफ एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीत करते गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरी बैंगलोर की टीम को 68 रन पर ही पवेलियन भेज दिया और फिर बड़ी आसानी से अपने 8वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर एक बड़ी जीत अपने नाम की। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान की टीम दिल्ली के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला जीतकर मैदान में उतरेगी। जॉफ बटलर के शतक के दम पर राजस्थान ने दिल्ली के सामने 222 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवरों में 207 रन ही बना सकी। दोनों के बीच सीजन के पहले मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने बाजी मारी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर बैंगलोर के धुरंधर इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएंगे या राजस्थान के रजवाड़े इस मुकाबले में जीत दर्ज करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।